गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ई क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 5 आपको एक्सप्लेन किया था। पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं हुआ, फर्स्ट पार्ट आपको भेजा है शर्दिना प्रतापे, चैप्टर 5 शर्दिना प्रतापे। मैं आपको थोड़ा उसका रिमेम्बर करवा दूँ, वो चैप्टर समरी दे दूँ। क्या था ये स्टोरी? एक हास्य प्रेरक स्टोरी है, आपने रीड करी होगी, मैंने आपको बोला है रीड करना। तो ये स्टोरी एक हास्य प्रेरक माने एक दूसरे के साथ ऐसा डायलॉग है, एक कैरेक्टर ने एक दूसरे के साथ ऐसे बात किया है जिससे अपन को हंसी आ रही है। अभी इसमें लेखक एक सदगृहस्थ सज्जन माने अच्छे इंसान से जो मिलने जाते, तो उस दिन लेखक को क्या हो गया था, शर्दी हो गई थी, जुकाम हो गया, उससे कारण लेखक का गला की आवाज बैठ गई थी, आवाज प्रॉपरली निकल नहीं रही थी। और उसी दिन जिसको वो मिलने गए उनका उनको भी झुका हो गया था, उनको काम सही से काम नहीं कर रहे थे, माने लेखक का गला सही नहीं है और जिनको वो मिलने गए उनके काम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे। देखो यहाँ मैंने आपको फोटो बताया था यहाँ लेखक और एक सदगृहस्थ माने सज्जन आदमी अच्छे आदमी से मिलने गए, उनके साथ एक दूसरे के साथ कैसे बात होता है वो यहाँ दिया है। यहाँ से मैं मुझे स्टार्ट करने यहाँ तक आपको बता दिया है कि आगे मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि लेखक एक सदगुरु से मिलने जाते हैं, उनका गला काम नहीं कर रहा, उनका कान काम नहीं कर रहा, एक दूसरे से जब बातचीत करे संवाद करे तो उससे क्या हो रहा है। वो मने आपका रखता रखता ये सदगुरु बोले, ओहो आज कई आदरक तबियत तो सारी चीज है। वो आदमी लेखक से पूछ रहा है, आवकार आवकार माने वेलकम, वेलकम करते हुए वो लेखक से पूछ रहे कि ओ आज आप इस तरफ, आज आप मेरी तरफ, मेरे घर कुछ सब ठीक तो है, तबियत तो सही है ना, ऐसे आप लोग जरा काम हो तबियत पर जमा चाहिए, जरा शादी दे चाहिए, बाकी बीजी रीते कुशल छू। अब कोई अपन को पूछता है बराबर तो हो ना, मजे में तो हो ना, आज इस तरफ कैसे अपन को वेलकम करते करते वो सदगृहस्थ लेखक को पूछ रहे आप सही तो हो ना, आज इस तरफ कैसे, तो लेखक जवाब दे रहे आप लोग जरा काम है माने मुझे आपका थोड़ा काम था इसलिए आपके घर आए हैं, तबियत मजा आना चाहिए माने मेरी तबियत तो एकदम सही है, जरा शादी देखिए बाकी भी चीजें खुश रहो माने मेरी तबीयत तो एकदम सही है पर थोड़ा सा जुकाम हुआ है, शर्दी थई छे मने, बाकी तो बधु बराबर छे, बराबर ऐसा वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अभी आगे पेज नंबर 24 कंप्लीट हो गया, पेज नंबर 25 मने शर्दी छई छे एक तमने कोणे कह्युं आटो जरा नहीं जेवा सळेखम અને ઉધરસ થયા છે, મને જે જોવા આવવાની અહીં સુધી આવવાની દસ્તી લેવાનું જેવું કઈ નથી। લેખક ને ક્યાં બોલા, લેખક ને બોલા મેરી તબિયત સહી હૈ, થોડા સા ચુકા હો રહા હૈ, થોડા સા શર્દી હુઈ, પર જો ઇસ આદમી કો જિસ સજ્જન પુરુષ કો વો મિલને ગયે થે ઉન્હોં કો કાન મે સુનને મે પ્રોબ્લેમ હૈ, તો ઉન્હોંને ક્યા સુના, મને શર્દી થઈ છે ये तुमने कौन कही, माने लेखक ने बोला मुझे जुकाम हुआ है, तो सामने वाला क्या समझ रहा है, नहीं मुझे जुकाम हुआ है माने सामने वाले को कब सुनाई दे रहा है, माने वो क्या बोल रहा है, मुझे जुकाम हुआ है, वो आपको किसने बताया, आपको चला नहीं जीवा सड़े तो मैंने उधरस दिया है माने थोड़ा सा नाक से पानी बह रहा, खांसी हो गई, बाकी मैं सही हूँ ऐसे, और इतने में अहीं सुधी आवानी तस्ती के वजह हो गई ना, ऐसी तबीयत खराब नहीं होगी कि आपको मेरी खबर पूछने आना पड़ा, ऐसा वो सदगुरुस बोल रहा है। सज्जन पुरुष सदगुरुस जिसको आज जिस लोग आदमी को लेखक मिलने गए वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा झुका हुआ, आपको किसने बताया, ऐसे इतना तबीयत मेरा खराब नहीं कि आपको मेरा खबर पूछने आना पड़ा, जबकि लेखक तो अपने आप को शादी हुई वो बात उनको बता पता है। મને લાગ્યું કે એમના સમજવામાં કંઈક ભૂલ થઈ છે, પણ તે સુધારવાનો પ્રયત્ન ન કરતા
मैं करू अबे कैम छो दवा बवा तो करो छो ने अब लेखक को क्या लगा उनको पता नहीं था कि इनको काम में प्रॉब्लम हो गया जुकाम से तो लेखक को लगा कि इनको समझने में कोई गलती होगी मैं तो अपने जुकाम की बात कर रहा हूँ अभी ये अपने जुकाम का बात कर रहा है तो लेखक ने वो क्लियर नहीं किया कि मैं अपने जुकाम की बात कर रही पर वो क्या पूछ रहे हैं दवाई तो बराबर ले रहे हो ना अब कैसी तबीयत है ऐसे तो जब ऐसा लेखक समझ रहे हैं कि इनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुआ सुनने में प्रॉब्लम है वो बात अभी तक लेखक को पता नहीं इसलिए वो नॉर्मल टोन में बात कर रहे हैं कि आपको अभी तो तबीयत सही है ना दवाई तो लिया ना दवा बवा देखो वर्ड है दवा बवा तो करो छो ने दवा बवा माने दवाई ववाई तो ले रहे हो ना आप हिंदी में क्या बोलते हो भाई दवाई ववाई तो ले रहे हैं ना गुजराती में दवा बवा तो लो छो ने हाँ एनी दवा जरा एवी है खरी पर हवा फेर मरी जानो हजी नक्की करी नहीं ये तो ठीक पर जाया बा ले छो ने अब वो सामने वाला इंसान कुछ और समझ रहा है वो क्या बोल रहा है हाँ एनी हवा जरा एवी है वो दवा बोला ये क्या समझे हवा लेखक ने क्या बोला दवा तब ये क्या समझे हवा खरी पर हवा फेर मरी जानो जरा विचार करना माने वो सामने वाले इंसान को लगा कि ये हवा की बात कर रहे माने हवा फेर कर रहा माने घूमने जाने का भी फाइनल नहीं किया अभी तय नहीं किया है ऐसा बोल रहे चाय बात तो नहीं सुने ऐसा बात करते करते लेखक को वो इंसान पूछ रहा है कि मैं अभी घूमने जाने का फाइनल नहीं किया आप आए हो तो चाय तो लोगे ना ऐसे चाय बनता तो भी हूं ना थी के तो सर्दी में तो बहुत ठीक पड़े चाय बनता भी ऊना नदी के तो माने लेखक उनको आंसर दे रहा है चाय का ऑफर किया सामने वाले ने तो लेखक हाँ बोल रहे क्या बोल रहे चाय बनता सुधी ऊना नदी के तो ने सर्दी में तो बहु ठीक रहे से वो बोल रहे कि जुकाम में तो अच्छा रहेगा अच्छे से चाय पीना मैं ना नहीं बोल रहा पर बनता सुधी तो ने चाय नहीं पीता सामने वाला कुछ और समझा बनता सुधी ऊना नदी का माने लेखक बोल रहे मैं चाय पीने का कभी मना नहीं करता पर ये क्या बोल रहे वो समझे बनता सुधी तो मैं चाय नहीं पीता माने आप चाय नहीं पीते हो ऐसा समझे जबकि लेखक बोल रहे मैं तो चाय पीता हूँ मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है जब तक होता है तब तक मैं चाय के लिए मना नहीं करता पर चाय सर्दी करे एक बंदे थोड़ी करे बाय कॉफी ले चुके अभी वो इंसान क्या समझा कि चाय पीने से जुकाम हो जाता है जब लेखक ने क्या कह दिया सर्दी में तो सारू रे सर्दी में तो चाय पीवा थी सारू रे मसाले वाली चाय पीना थी ना कभी जुकाम हो जाता है तो बेटा थोड़ा सा मसाला अदरक डाल के चाय पी तो तुझे सही रहेगा तो लेखक भी ऐसे बोले कि चाय सर्दी में तो चाय अच्छी रहेगी पर ये इंसान समझा कि सर्दी है तो चाय नहीं पिएगी वारू वारू माने सारू वारू माने सारू सारू कॉफी ले शो माने वो इंसान पूछ रहा है ओके चाय नहीं पिएंगे तो कॉफी लेंगे क्या ऐसे कॉफी ना पड़ाते रहा था और लेखक ने क्या बोला ठीक है ये चाय में समझ नहीं रहे तो मैं हाँ बोल देता हूँ कॉफी के लिए ठीक है कॉफी में पड़ाते रहा था इसको भी अलग समझ रहे हैं क्या वांधो नथी माने कोई प्रॉब्लम नहीं जबकि ये क्या समझे डॉक्टर भी काफी पिलाने ना पड़े छे वांधो ले छे कॉफी नो डॉक्टर वांधो ले छे ठीक है कोको माने अभी कॉफी नहीं पियोगे तो कोको पियोगे ऐसा अब देखना मोटे सी बोली तो चाय और कॉफी नहीं पेते कोको घुमाओ लेखक बोल रहे अरे यार चाय भी नहीं मिली कॉफी भी नहीं मिली अभी कुछ बोलूंगा ना तो ये कुछ अलग समझेगी क्यों क्योंकि इनको कौन सुनाई दे रहा है इसलिए तो मैं अभी कोको के लिए कुछ नहीं बोलता हूँ सिर्फ मैं डोका बड़े हाँ पाती मैंने कुछ बोले वगैरह से सिर हिला के हाँ पाती डोका बड़े मैंने सिर हिला के हाँ बोला मैं आपने हमारे माटे कोको मुकाया ओके फाइनली लेखक के लिए कोको ब
बनने लगा। बराबर आ घर तो मैं फाइल छे कि नहीं मैं पूछू ते उमलियो छे वर सुलोचना तेनी पुत्री माटे वर जे शोध्यो नथी। अब क्या हुआ आ घर पर मैं फाइल छे कि नहीं मैं पूछू ते वो बोली उठे वर क्या बोला लेखक ने घर और यहाँ हमने क्या समझे वर सुलोचना माटे वर अजी शोध्यो नथी। लेखक ने पूछो ये घर आपको सूट कर रहा है आप सही से रह रहे हो ना घर चेंज किया होगा तो लोग ने पूछ लिया कि आपको ये घर में जम रहा है ना सही है ना तो वो क्या बोल रहे उसकी बेटी के लिए वर अभी ढूंढा नहीं है अजी ना नहीं छे शिव का बच्चे अभी तो वो छोटी है क्या हो जाती है ऐसे कौन बोल रहा है जिसको मिल नहीं रहे वो सज्जन लोग खुश आप प्रमाण दवा में बदले हवा घर में बदले वर सांभरता है साथे जे बात कर रहा अभी हो तो ते वाणी नरा करनी अशक्य छे ए मने लाग्यो तेथी पत्र लखी ने ए वात एमने जणावानो निश्चय कर्यो। अब घर बोला तो वो वर समझे दवा बोले तो हवा समझे। अभी लेखक मन में सोच रहे कि ऐसे आदमी के साथ जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ उसका उल्टा ही समझ रहे तो मैं ऐसे आदमी के साथ बात कैसे करूँ। तो उन्होंने क्या सोचा कि जो बात करने में यहाँ आया हूँ जो मुझे कहना था इतना झुका मैं फिर भी मैं इनके घर आया हूँ ये जो इम्पोर्टेंट बात कहने वो मैं लिख के बताता हूँ। वाणी द्वारा करनी अशक्य छे वाणी माने बोलने से वाणी माने बोलने से करना अशक्य है अभी ये ऐसे बात करना अशक्य मने लागे पत्र लगी ए बात इनने जणावानो निश्चय कर्यो माने लेटर में लिख के ये बात मैं उनको बताओ बोल बोल करके वो थक गए जो बोले उल्टा समझे जो बोले उल्टा समझे। तो उन्होंने क्या किया कि अब लिख के बताता हूँ बाकी तो ऐसे बात वो नहीं पाएगी बात करना निश्चय करो थोड़ी बात घड़ी आधी अवधि बात अलबत्त ऊपर प्रमाणे करी अने आखरे तो हवे रजा लऊं छू। लेटर में जो बात कहनी थी वो लिख के बताया इधर उधर की थोड़ी बातें करी अरे मारा मेहमान आप शू बोलो छो तमे आव्या तमे तेमा मने सजा दे थोड़ी इधर उधर की बातें करी फिर बोल रहे अभी मैं जा रहा हूँ आपको मिला तो अबे रजा लाऊं छू माने अब मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ जो जिसको मिलने आया वो क्या समझे अरे मारा मेहमान अरे मेरे फ्रेंड आप शू बोलो छो ऐसा क्या बोल रहे हो आप तमे आ गया ते मने सजा थी रजा बोला ये क्या समझे सजा रजा बोला तो क्या समझे सजा अभी आप आए उसमें मुझे सजा हुई ऐसे बोल रहे हो उनको आनंद अपनी बात सांभना रहा है सांभरे तो ही समझना रहा बड़ा ओछो छे डोको हलावी अने मैं मूंगा मैं तेने रजा ले ऊंचा दो के माने अभी वो समझे कि अभी कुछ बोलना सही टाइम नहीं है छोड़ दो जो बोलूंगा उसका उल्टा हो रहा है मैं रजा ले रहा हूँ तो तुमको सजा सुनाई दे रहा है घर बोल रहा हूँ तो घर सुनाई दे रहा है हवा दवा बोल रहा हूँ तो हवा सुनाई दे रहा है तो हर वर्ड में उल्टा हो रहा है अभी कुछ बोलना सही नहीं है चुपचाप निकल जाओ तो वो निकल गए। अभी ये जो शॉर्ट स्टोरी दिया है वो किसने रेतीली रोटली ये एक बुक है राजेंद्र अमदवे की लिखी हुई रेतीली रोटली वो बुक में से एक पार्ट लिया है एकदम मस्त स्टोरी है आपको मैंने पूरा स्टोरी एक्सप्लेन कर दिया आपको सभी सही से समझ में आया होगा। अब आप क्या करेंगे पूरी स्टोरी एक बार अच्छे से रीड करेंगे ठीक है अच्छे से स्टोरी पूरी स्टोरी एक साथ रीड करें तो आपको बहुत मजा आएगा और ज्यादा समझ में आएगा। अब इसके बाद में आपको एक्सरसाइज का वीडियो भेजूंगी और पीडीएफ भेजूंगी ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ में टेक्स्चुअल एक्सरसाइज जो है वो भी उसका पीडीएफ भेज रही हूँ जो आपको टेक्स्ट बुक में पेंसिल के साथ लिखना है। ओके थैंक यू।